साहब इलाज के लिए बाहर गए, तरह तरह की बातें शुरू हो गई। नाज़रीन, मैं हूं फरिया रीस। सदर मुमलिकत मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, पाकिस्तान की हुकूमत कौन चला रहा है, पूछेंगे फौजिया वहाब से। शेख रशीद साहब कमीशन के सामने क्या कहने वाले हैं, पूछेंगे शेख रशीद से। और कराची में इमरान खान को जलसा करने में क्या मुश्किलात पेश आ रहे हैं, पूछेंगे इमरान इस्माइल से। वेलकम टू न्यूज स्पीच। गालिब ने कहा था, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कौम से हर मामले की पर्दादारी कब तक जारी रहेगी पाकिस्तान में? गुज़िश्ता 6-7 माह से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके मुताबिक कौम को अंधेरे में रखा जा रहा है। 2 मई को एबटाबाद में होने वाले अमेरिकी ऑपरेशन का मामला हो या फिर मेमोगेट स्कैंडल, कौम अब तक हकायक से मुकम्मल लाइल्म है। और अब एक हफ्ते से हमारे सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी दुबई के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, मगर उनको क्या बीमारी है और वो कब तक वतन वापस आएंगे, इसका इल्म अब तक पाकिस्तानी कौम को नहीं हो सका। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से नाज़रीन इस बारे में मतबरें और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, ये एक अलग बहस है। हुकूमत की जानिब से भी इस बारे में मतजाद बयानात जारी होते रहे, जिसकी वजह से कौम की उलझन में यकीनन इजाफा हुआ है। इस बारे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब क्या कहते हैं, पहले वो देखिए। सदर साहब इलाज के लिए बाहर गए, तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कौन सा ऐसा मुल्क के अंदर आईनी बहरान है कि सदर साहब इस्तीफा दे देंगे या अपने इक़्तदार से अलग हो जाएंगे? ना पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान का इदारा टेक ओवर करने वाला है, ना अब उस तरह की गुंजाइशें मौजूद हैं, और ना आसिफ जरदारी का ताल्लुक उस कबीले से है कि वो इस्तीफे दे के अलग हो जाए या मुल्क से फरार इख्तियार करे। वो जान देने वाले कबीले से तलब रखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त नहायत अहम सियासी और सफाती पेशरफ्त हो रही है नाज़रीन, ये बात आपको मुझको पता है। एक जानिब एबटाबाद कमीशन की तहकीकती रिपोर्ट अपने आखिरी मराहिल में है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मेमो स्कैंडल से मुतालिक सदर मुमलिकत हुकूमत आर्मी और ISI के सरबराह के बयान जमा कराने के लिए 15 दिन की मुद्दत 2 दिन बाद खत्म हो रही है और तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं। सुना है कि दुबई की नजरें भी शायद सुप्रीम कोर्ट ही की जानिब हैं। फौज की तरफ से मेमो स्कैंडल पर क्या मौकफ लिया जाता है? सियासी महाज में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के किला लड़काना में एक बड़ा जलसा करके उसे कितना चैलेंज कर दिया है, ये अहम सवालात हैं। और अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया गया है। पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, वो भी देखिए। अब तो हालात ऐसे हैं कि जनरल इलेक्शन और अवाम के फ्रेश कैंडिडेट की जरूरत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है कि जितनी जल्द मुमकिन हो, बल्कि जल्द से जल्द जो है वो जनरल इलेक्शन करवाए जाए और इन हालात में अवाम से फ्रेश मैंडेट लेके जो भी जिसको भी मिले और वो जो है वो मुल्क की खिदमत करेगा। जबकि नेटो हमले के बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर नजर सानी की जा रही है और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि आया अमेरिका और नेटो ममालिक से ताल्लुकात खत्म करना पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं, मगर इतना अहम मौका जबकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है, मगर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत दुबई के अस्पताल में मुकीम है, तो सवाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले अहम फैसले कौन, इसके बारे में बात करेंगे। मगर पहले सदर साहब की बीमारी के हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। सदर जरदारी की बीमारियों के हवाले से मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया में कई बरसों से मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद अपनी किताब रिकंसिलिएशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट में लिखा था कि आसिफ जरदारी शदीद बीमार शख्स हैं। उनकी जिंदगी खतरे में थी। जब 2005 में मेरे शोहर दुबई में मेरे और मेरे बच्चों के पास आए तो वो एक डॉक्टर के बकौल दिल के जानलेवा हमले के करीब थे। 25 अगस्त 2000 को फाइनेंशियल टाइम्स ने अमरीकी डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट के हवाले से खबर दी थी कि वो सीनाइल डिमेंशिया के मरीज हैं। उन्हें अपनी अहलिया और बच्चों की तारीख पैदाइश भी याद नहीं। वो मुसलसल खौफजदा हैं और खुदकुशी से मुतलिक सोचते हैं। आज सदर जरदारी को मुल्क से गए 1 हफ्ता हो चुका है, मगर अभी तक उनकी बीमारी के मुतालिक अवाम को कुछ नहीं बताया गया। पहले ऐवान सदर से ये बयान जारी किया गया कि सदर अपने बच्चों से मिलने और मामूल का तिब्बी मुआयना करवाने दुबई गए हैं।
फिर खबर आई कि सदर को दिल की तकलीफ हुई है। फिर वजीर आजम हाउस से कौम को यह बताया गया कि सदर को दी जाने वाली दवाओं का रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। फिर वफाकी वजीर पेट्रोलियम और सदर के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम का दुबई से बयान आया कि सदर के तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं और वो 3-4 दिन आराम करने के बाद वतन वापस आ जाएंगे। फिर हमारे वजीर आजम साहब ने BBC को एक इंटरव्यू में ये कहा कि सदर जरदारी मजीद 2 हफ्ते दुबई कयाम करेंगे। सवाल ये है कि खुद हुकूमत सदर की बीमारी से मुतल्लिक मुतजाद बयानात क्यों जारी करती रही है और आखिर कौम को सदर जरदारी की सेहत के मुतल्लिक अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। गाइस, से बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू शेख रशीद साहब, फौजिया वहाब साहब, इमरान इस्माइल साहब और थोड़ी देर में हमें खुर्रम दस्तगी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शेख साहब आपसे आगाज करेंगे, इस वक्त इतने अहम फैसले हो रहे हैं, सदर साहब बीमार हैं, कौन हुकूमत चला रहा है इस वक्त पाकिस्तान की? मेरा ख्याल है मेरी बहन फौजिया बेहतर जवाब देगी। मेरे ख्याल में ये मुल्क 1955 में चला गया जब गुलाम मोहम्मद जन गवर्नर जो थे वो 7 जुलाई 1955 को बीमार हुए और सिकंदर मिर्ज़ा ने चार्ज लिया। 2 महीने उनका यही था कि इनका दिल की तकलीफ़ है और बाद में जो एक दिमाग में भी कोई मसला निकला और 2 महीने वो ज़ेर इलाज रहे। खुदा करे ऐसा ना हो आसफ़ जरदारी बकौल इनके जल्द आ जाएं, क्योंकि ये मुल्क बड़े अहम मराहल से गुजर रहे हैं। और फिर सिकंदर मिर्ज़ा बतौर कायम मकाम गवर्नर जनरल के उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ये 1955 की बात है, ये कोई नई बात नहीं हमारे मुल्क में। उस वक्त भी लोग अगर आप पुराने अखबार निकालें यही कहते थे कल आ जाएंगे, बड़ा मुकम्मल इलाज हो रहा है, रिपोर्टें सारी ठीक निकली हैं, कुछ नहीं हुआ। ये गुलाम मोहम्मद की टाइमिंग जो है पहले से तय थी और गुलाम मोहम्मद साहब ने पहले से टाइम लिया हुआ था, थोड़ी सी जबान में रुकना थी। जैसे ओबामा के साथ बातचीत में उन्होंने महसूस किया कि भाई किसी ने तरदीद नहीं की। अब मैं अगर आप एक प्रोग्राम करें, आपको आप मेरे से छोटी हैं, इन सारे वजीरों और मशीरों और स्पोक्स पर्सन के सिंध से लेके बलूचिस्तान के 1 घंटे का प्रोग्राम करें, इन्होंने 9 दिनों में क्या कहा? क्या क्या कहा? बिल्कुल, अभी हमने कुछ सुनाया भी था। 9 दिनों में आप ये बताएं कि इन्होंने क्या कहा है। 9 दिन से अगर दिल का मर्ज हो, ICU में वो कहते हैं गए हैं और अमेरिकन हॉस्पिटल हैं, दिल के मर्ज में मेरा ख्याल है, पहले तो मैं कहता हूँ खुदा करे ये सेहत उनकी जल्द सेहत याबी हो। सेहत पर सियासत नहीं करना चाहता, मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि इस मुल्क को एक फरतुल्ला बाबर, मैं उसको उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द प्रेसिडेंट, एवरी नाइट ही शुड कम ऑन ए TV बिफोर प्राइम टाइम, हर रात को वो प्राइम टाइम से पहले आए और कौम को, जो कि रोज अफवाहों के नए तूफानों में घिरी हुई है, हम 18-19 करोड़ लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि हमारा सदर अच्छा है बुरा है, मेरे इख्तलाफ हो सकते हैं, बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें ये मौसम खजां के पत्तों की तरह कभी इस खेत में सींच रहे हैं, कभी उस खेत में सींच रहे हैं, और एक मामूली खबर गैर मुल्क से आती है, पाकिस्तान अपनी इनकी किसी बात पे, अगर मेरी बहन फौजिया इस 9 दिन के बयानों में से ढूंढ के निकाल दे कि सही बयान किसका, 2 आदमियों के बयान मिलते हों तो मैं कहूंगा ये ठीक बयान है। मैं कुछ बयान आपको बता देती हूँ फौजिया साहिबा। सबसे पहले फरतुल्ला बाबर साहब की प्रेस रिलीज आती है जिसमें वो कहते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए गए हैं और तबीयत भी उनकी नासाज है। फिर वजीर आजम हाउस से एक अलग किस्म की आती है, कभी दिल का अर्जा कहा गया, कभी कोई और बीमारी कही गई, बाबर अवान साहब ने बिल्कुल कोई और बात की। फिर वो उन्होंने ईमेल की तमाम लोगों को, जो मेरे पास भी आया ईमेल, जिसमें वो कह रहे हैं ही इज इन ग्रेट हेल्थ। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, मुझे मालूम नहीं कि क्यों इतनी उनकी सेहत के ऊपर सियासत की जा रही है। अभी आपने कहा मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लगता यह है कि उनकी सेहत भी एक इशू बन गया है। बात यह है कि फरतुल्ला बाबर साहब का पहला जो आया उसमें उन्होंने बताया कि कर्नल सलमान साहब जो उनके फिजिशियन हैं उन्होंने ये कहा है द प्रेसिडेंट इज इन ए स्टेबल सिचुएशन। ठीक है, स्टेबल सिचुएशन में थे तभी वो अपने पैरों पर चढ़ के गए और अपने पैरों से नीचे उतरे हैं। ठीक है, आपने देखा है मेरे ख्याल में जब दुबई पे उतरे हैं तो फुटेज मौजूद है। फिर दूसरी आपको जो फरतुल्ला बाबर साहब ने दी है, उन्होंने कहा है कि टेस्ट हो रहे हैं, ही इज ऑन हिज वे टू रिकवरी। ठीक है, तीसरी मामूल के टेस्ट भी उन्होंने कहा था। हाँ, मामूल के टेस्ट भी होते हैं, जब आपका कार्डियक प्रॉब्लम होता है तो टेस्ट तो आपके सारे चल रहे होते हैं ना। यू मस्ट रिमेम्बर द प्रेसिडेंट इज अ पेशेंट ऑफ क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन है जो इनको जेल के ज़माने में लगी हैं, इनको डायबिटीज़ है,
और इनको स्टेंट भी लग चुके हैं 2005 में, 2004 नवंबर में ये रहा हुए हैं और उसके 6 महीने के बाद उनको ये कार्डियक प्रॉब्लम हुआ। विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दिस साहब, एक बात कहना चाहते हैं, अभी भी जो आपने उसके बयान दिया तीसरा, है तीसरा तीसरा उनका जो बयान की बीमारी है, एक मिनट, अभी अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया है। ठीक ठीक, इमीडिएट कॉस्ट आप मेरे जिरा ना करें, ओके, मैं कटहरे में नहीं खड़ी हुई हूँ, नहीं आप मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, आपके आगे रख दिया, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ सीक्वेंस जो था। जब उन्होंने कहा कि जी ही इज ऑन हिज वे टू रिकवरी, फिर उसके बाद जो बयान आया वो ये था कि वो आईसीयू से निकल के अपने रूम में आ गए, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि उनका इलाज हो रहा है। और अभी भी देखिए, जब आपको कार्डियक प्रॉब्लम होता है आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 4 दिनों में वो खड़े हो जाएंगे। एक तो कार्डियक आप कह रही हैं, वो जो कह रहे हैं कि एक शरियान उनकी गर्दन के ये पीछे थी, आपको पता है, मुझे नहीं मालूम, बाबर अवान साहब ने कहा है, बाबर अवान साहब ने फिर उसको रिट्रैक्ट किया है, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, फिर उन्होंने ये भी कहा इज इन ग्रेट, मुझे नहीं मालूम ये क्यों कहा है, मैं तो वो बात कहूंगी जो मुझे मालूम है। तो आप और आई विल फॉलो व्हाट फरहतुल्ला बाबर हैज बीन सेइंग, जो उनके है ना स्टेटमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए क्रेडिबल है और उनको मैं अहमियत दूंगी। मैं कहूं उन्होंने तो कहा था मामूल के टेस्ट के लिए गए हुए, मामूल के टेस्ट तो नहीं है ये, मामूल के टेस्ट भी मामूल के हो सकता है, हम उस वक्त ये समझ रहे हो कि ये मामूल होगा, वहां जाके पता चला होगा कि कुछ और है। वहां जाके कितनी दफा ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल में हमने अपने वालदेन को नॉर्मल भेजा, हम समझ रहे हैं तो मामूल का टेस्ट है, तो यहाँ जाके टेस्टों में पता चला कि कुछ और निकला, सूरत हाल है और आहिस्ता आहिस्ता पता चला। शेख साहब ये भी तो हो सकता है कि शुरू में पता ही ना चला हो, इतनी ज्यादा टेंशन हो या इतनी ज्यादा नहीं अनएक्सपेक्टेड हो ये बीमारी। कॉन्ट्रोवर्सी किस बात की है, क्यों अब क्लियर नहीं है, सदर साहब बीमार नहीं हो सकते हैं, और जब ये आ गया है कि वो रिकवर हो रहे हैं और वो आईसीयू से निकल के ऐसा हुआ, दिस हैज हैपेंड बिफोर, पहले भी पाकिस्तान में ये तारीख में हो चुका है ऐसा। गुलाम मोहम्मद के हवाले से 1954 की बात कर रहे हैं, 55-54 की, 55 की बात कर रहे हैं, तो उसको गुजरे हुए भी 50 साल हो चुके हैं। अच्छा, मेरी बहन फौजिया ने तो सदर पाकिस्तान को बीमारस्तान बना दिया है, इतनी बीमारियां इन्होंने गिनवा दी हैं। मेरा ख्याल है जो ये कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि अच्छी सेहत में बेहतर है उनकी पोजीशन, चेकअप के लिए गए थे। I believe everything, whatever they are saying, ये ऐसी बीमारियां तो अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में एक नौजवान को जो काबिल एहतराम है, एक इस मुल्क की बड़ी लीडर का वो बेटा है, उसके दरबार में पेश किया जा रहा है। आज जनाब अली पेश हो रहे हैं, वजीर आजम साहब के 2 फर्जंद, पहली फोटो आती है एक दिन, दो वन साइडेड है, दूसरे दिन आती है एक राइट पे। देखें, मैंने आपसे कुछ तो नहीं कहा। फिर चौधरी साहब बरादरान बिलावल साहब के वहां आते हैं, फिर पार्टी की कोर कमान जो है वो उनकी, और जिस तरह उनको पेश किया गया जिस लम्हे में, मैं उनसे बिलीव करता हूँ इज ए वेल एजुकेटेड मैन एंड पीपल्स पार्टी इज द पार्टी ऑफ ऑल द प्रोवेंसेस, वो ऑल प्रोवेंसेस की पार्टी है। और आज जो हालात इस वक्त मुल्क में बने हैं, इज देयर एनी वाइस कर्नल सुलेमान का सबने कहा, अगर मैं इस वक्त पार्लियामेंट में होता या मेरा कोई साथी होता, मैं उनको कहता कर्नल सुलेमान कैन कम ऑन एयर। दुनिया में क्या होता है जी, दुनिया के सदर बीमार होते हैं। शेख साहब, डॉक्टर आसिम के मोनेर होने का सर, डॉक्टर आसिम ने तो कहा कि 4 दिन बाद आ जाएगा। आप देखें, वो डॉक्टर आसिम साहब मेरे साथ परसों चौथ जहाज में थे, बड़े एहतराम के साथ। इस मुल्क का ये भी प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर है उसको पेट्रोल पे लगा दिया है, जो पेट्रोल का काम जानता है उसको डॉक्टरों पे लगा दिया है, जो मजहब से इतना ही दूर है जितनी शराफत बदमाशों के मोहल्ले से, उसको मजहब के हवाले कर दिया गया, मजहब के मामला। इस मुल्क की बदनसीबी है कि एक आदमी आके इस काबिल नहीं है कि जिस पे 18 करोड़ लोग एतबार करें, यार ही इज राइट। देखें, इतने सारे लोगों ने बयान दिया, कैरा साहब ने दिया, बाबर रहमान ने दिया, शर्मिला ने दिया, और मेरी बहन फौजिया ने दिया, और अल्लाह, मैं 20 आदमी गिना सकता हूं, 20 आदमी गिना सकता हूं, लेकिन कौम की तिश्नगी दूर नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा अभी तक, कौम को बिलीव नहीं है। देखिए, मैं उनको एक बिलावल साहब जो है पार्टी के मुंतखब चेयरमैन हैं, और चेयरमैन होने के नाते अगर वो किसी हुकूमत की, उन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर वो किसी मीटिंग में बैठे हैं जो कि कैबिनेट नहीं है, एक मीटिंग में बैठे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको डिस्प्यूट किया जाए।